हेलो, आई एम डॉक्टर अनुज चावला। आई एम अ फुट एंकल स्पेशलिस्ट एट सक्षम ऑर्थो। आज की जो सीरीज है इसमें हम बात करने वाले हैं डायबिटिक फुट के बारे में। सो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले डायबिटिक फुट होता क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्रॉब्लम, इसकी वजह से क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, हम इसको कैसे डायग्नोज करते हैं, और अगर किसी को डायबिटिक फुट है तो हम उसका इलाज कैसे करते हैं, और कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस को हम रोक कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डायबिटिक फुट है क्या और इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो डायबिटीज अगर देखा जाए तो इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। टोटल इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि उसमें अगर कुछ परसेंटेज भी पेशेंट्स डायबिटीज के होंगे तो दैट इटसेल्फ जो है कॉन्स्टिट्यूट्स अ बिग नंबर, काफी ज्यादा मरीज हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज अभी के टाइम पे 9-10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वो जो है वो डायबिटीज के साथ रह रहे हैं। तो अगर हम वैसे देखा जाए तो अगर हमारा इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी है, तो 14 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। तो जाहिर सी बात है कि डायबिटिक पेशेंट्स में फुट के प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और इसीलिए डायबिटिक फुट जो है वो भी आपस जो है एक अपनी अलग ही एक बीमारी है, एक अगला अलग ही एपिडेमिक है जो कि अभी धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। तो क्यों डायबिटिक पेशेंट्स को पैरों में परेशानी होती है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो हमें ये पता है कि फुट या जो पैर है वो हमारे पैर का सबसे, हमारी बॉडी का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, वो हमारी बॉडी का बेस है। इसकी जो ब्लड सप्लाई है ये हमेशा जो है हार्ट से सबसे ज्यादा दूर है इस ये एरिया, तो इसलिए इसकी ब्लड सप्लाई भी हमेशा थोड़ी सी टेन्यूअस से थोड़ी सी कम रहती है। सिमिलरली जो ब्लड जो वहां तक जाता है उसको ऊपर आने के लिए भी जो वेन्स है जिसके थ्रू वो ब्लड आता है उसपे भी काफी ज्यादा वाल्व्स होते हैं, काफी प्रेशर चाहिए होता है उस ब्लड को ऊपर की तरफ पंप करने का। डायबिटिक पेशेंट्स में जनरली जो है क्योंकि पैर में ब्लड सप्लाई जो है जैसे जैसे डायबिटीज बढ़ता रहता है पैर की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से एक कंडीशन हो जाती है जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। तो उसमें क्या है कि हमारे जो खून का दौरा जो है पैर का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से कभी भी कुछ भी परेशानी होती है, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो जो ब्लड फाइटिंग ऑर्गेनिजम्स है हमारे जो वो ब्लड फाइटिंग सेल्स जो होते हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पाते, और इसी वजह से हीलिंग काफी ज्यादा डिले होती है। प्लस डायबिटीज में जो है शुगर का लेवल बढ़ने की वजह से जो है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो खराब हो जाता है, हमारी बॉडी के बैक्टीरिया से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है बैक्टीरिया जो है जब भी वो आते हैं तो वो ग्रो बहुत ज्यादा तेजी से करते हैं, और उसकी वजह से उसमें इन्फेक्शन वगैरह होने के संभावना ज्यादा हो जाती है। साथ ही साथ डायबिटिक पेशेंट्स में डायबिटीज जो है वो नसों पे भी अटैक करता है, जिसकी वजह से जो पैर में जो छूने का जो है नसें जो है सेंसरी नर्व जिसको हम कहते हैं जिनसे सेंसेशन आती है जिनसे हमें छूने का पता चलता है वो खराब हो जाती है, और क्योंकि पैर का जो सोल या जो तलवा है वो हमारा नीचे पड़ता है तो अगर सोल पे कभी भी कोई इंजरी होगी तो हमारी बॉडी को नॉर्मली पता चल जाता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट को क्योंकि नसें जो है पैर की सबसे ज्यादा खराब हो जाती है तो उसकी वजह से उनको कोई भी इंजरी जो है वो पता नहीं चलती, जिसकी वजह से एक इंजरी के वजह से कट लग जाता है और वो कट बढ़ता ही बढ़ता चला जाता है और उसके अंदर और बैक्टीरिया आ जाते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। तो मेन जो तीन कारण है वो है इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई, इम्पेयर्ड नर्व्स या इम्पेयर्ड सेंसेशन, एंड अ पुअर इम्यून रिस्पॉन्स जो कि डायबिटिक पेशेंट्स में होता है, और इन तीनों के डेडली कॉम्बिनेशन से डायबिटिक फुट में जो है डायबिटिक पेशेंट में पैरों में परेशानियां काफी ज्यादा होती है। साथ ही साथ जब नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं तो वो हमारे जो पैर का जो जो स्वेट ग्लैंड्स है उसको भी इम्पेयर करती है, उनका जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है उसको भी इम्पेयर करती है, जिसकी वजह से स्वेटिंग वगैरह इम्पेयर हो जाती है और कई जगह पे वो ज्यादा हो जाती है। उसकी वजह से ड्राइनेस इन द स्किन इज वेरी कॉमन, और वो ड्राइनेस की वजह से कभी कभी जो है स्केलिंग हो जाती है, और वो स्केलिंग साथ में जो है उसी जगह पे कॉर्न्स और कैलसिस या थिकन स्किन बन जाती है जो कि है
हमारे को अल्सरेशन को प्रीडिस्पोज करता है या फिर अल्सरेशन का एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। नर्व्स के इन्वॉल्व होने की वजह से जो मसल्स है वो मसल्स भी खराब हो जाती हैं, और मसल्स के खराब होने की वजह से जो है मसल्स की वीकनेस की वजह से डायबिटिक फुट पेशेंट्स में टोज में डिफॉर्मिटीज हो जाती है। तो बहुत बार ये आपको डायबिटिक फुट में देखेंगे कि जो अंगूठा है वो टेढ़ा हो जाता है, उंगलियां टेढ़ी हो जाती है जिसको हम क्लॉइंग टोज कहते हैं, और साथ ही साथ काफ की मसल्स जो है वो काफी ज्यादा टाइट हो जाती है जिसकी वजह से आगे के फोर फुट रीजन में पैर के आगे के हिस्से में प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो इन सब रीजंस की वजह से भी डायबिटिक पेशेंट्स में अल्सरेशन वगैरह होने के या घाव बनने के चांसेस होते हैं और घाव वो हील नहीं करता। इनफैक्ट डायबिटीज देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड और अब इंडिया में भी उसका इंसिडेंस बढ़ रहा है। एक सबसे ज्यादा कॉमन कॉज है एम्पिटेशन का, यानी कि पैर के कटने का, और ये देखा गया कि अगर किसी पेशेंट की मेजर एम्पिटेशन हो, यानी कि अगर पैर जो है वो हमारा नी के नीचे से काटना पड़े, तो उसका दूसरे पैर के कटने के चांसेस जो है इज मोर देन 50% इन द नेक्स्ट 5 years, और जिसकी वजह से डेथ के भी चांसेस जो है अगले 5 से 6 साल में मोर देन 35-40% है। तो ये सब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए हमारे बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें ये जाने कि डायबिटिक फुट के सिम्टम्स क्या होते हैं ताकि हम उसको ढंग से ट्रीट करें। तो अगले वीडियो में अब हम बात करते हैं कि डायबिटिक फुट पेशेंट्स को क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।